शक का दायरा देखिए कैसे बढ़ रहा है। अमेरिका और इसराइल अभी तक इस खबर पर खामोश है, इसको लेकर भी कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। हालांकि हमने आपको बताया फ्लोरिडा के सांसद कह रहे हैं तानाशाही से मुक्ति मिली एक नेता के मरने से, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से ना अमेरिका की तरफ से ना इसराइल की तरफ से कोई बड़ा बयान है। इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के बयान से आप समझ सकते हैं। आपको बताते हैं दुनिया के जो टॉप नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से मैं दुखी हूं, स्तब्ध हूं। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, सैयद इब्राहिम रईसी एक उत्कृष्ट राजनेता थे जिनका पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित था। रूस के एक सच्चे मित्र के रूप में उन्होंने हमारे देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के विकास में एक अमूल्य व्यक्तिगत योगदान दिया। उन्हें रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक लाने के लिए काफी प्रयास किए। रेचेप तैयब जो है, जो एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है एक सहकर्मी के रूप में जिसने सत्ता में रहने के दौरान ईरानी लोगों और हमारे क्षेत्र की शांति के लिए उनके प्रयासों को व्यक्तिगत रूप से देखा है, मैं रईसी को सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद करता हूं। किंग अब्दुल्ला जॉर्डन के लिखते हैं, भाई राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री भाई हुसैन अमीर अब्दुल्हयान और उनके साथ आए लोगों की मृत्यु पर इस्लामी गणराज्य ईरान के भाइयों, नेतृत्व, सरकार और लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उन सभी पर दया करे। हम इस कठिन परिस्थिति में ईरान में अपने भाइयों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से लिखते हैं, पाकिस्तान एक दिन का शोक मनाएगा, राष्ट्रपति रईसी और उनके साथियों के प्रति सम्मान साथ एकजुटता दर्शाने के लिए झंडा आधा झुका रहेगा। नाम इब्राहिम रईसी, ये वही नाम है जिसकी इजाजत के बिना ईरान में पत्ता तक नहीं हिलता था, कहने को नंबर दो, लेकिन ईरान की बागडोर रईसी ने संभाल रखी थी। रईसी न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति थे बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्ला अल खुमैनी के सबसे करीबी माने जाते थे। 2021 में राष्ट्रपति बने लेकिन उससे पहले कई अहम पदों पर काम कर चुके थे। दरअसल शुरुआत से ही रईसी का धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था। इसी आंदोलन के दौरान रईसी की मुलाकात खुमैनी से हुई। साल 1979 में आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसी क्रांति में रईसी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद रईसी ने बतौर वकील के तौर पर काम करना शुरू किया। 25 साल की उम्र में रईसी ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर बन गए, यानी सरकार के दूसरे सबसे बड़े वकील बने। रईसी बाद में जज बने और साल 1988 में सीक्रेट ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बन गए, जिसे डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रईसी जिस डेथ कमेटी के मेंबर थे, उस कमेटी ने करीब 5000 लोगों को सजाए मौत दी, यानी फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने रईसी पर 2019 से बैन लगा रखा है। वजह है आतंकी संगठन से रिश्ते और रईसी के कार्यकाल के दौरान बच्चों को दी गई फांसी। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हिजाब को लेकर पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए थे। लोगों के प्रदर्शन को सरकार ने बुरी तरह कुचल दिया था। दरअसल रईसी के शासनकाल में ही ईरान में हिजाब विवाद गहराया था। तब हिजाब कानून के उल्लंघन को लेकर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टॉर्चर के चलते दोनों की मृत्यु हो गई थी। महिलाओं की मृत्यु के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। लोगों ने हिजाब पहनने से मना करते हुए बाल तक काटने शुरू कर दिए। सरकार ने महिलाओं के आंदोलन को कुचल दिया था। आज तक ब्यूरो। गौरव, ये अमेरिका और इसराइल की खामोशी क्या कह रही है? इसराइल और अमेरिका औपचारिक बयान की अभी प्रतीक्षा है, लेकिन इसराइल का मीडिया अगर आप देखें तो वो लगातार ये कह रहा है कि उनके अधिकारी कह रहे हैं नॉट अस,
यानी हम लोगों ने ये नहीं किया है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिका का आपने बिल्कुल सही जिक्र किया था अंजना कि जैसे फ्लोरिडा से आवाजें आई, वैसे ही निकी हेली जो एक समय एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में भी आगे बढ़ रही थी और अमेरिका की यूएन में एम्बेसडर भी थी, वो ये कह रही है कि चलो अच्छा है क्योंकि बहुत क्रूर शासन था इब्राहिम रईसी का और वो क्रूर शासन खत्म हुआ है और सैंक्शंस लगाने की आवश्यकता है। तो अमेरिका में जो राइट विंग है वो तो बहुत ईरान के खिलाफ है, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन अब कुछ समय के लिए क्या करेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या ईरान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास होगा या और प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि दुनिया ये चाहती है कि ये जंग और ज्यादा न बढ़े और भारत लगातार कंट्री स्पेसिफिक सैंक्शंस के खिलाफ है। ईरान भारत का मित्र रहा है, चाबहार पोर्ट का आपने भी जिक्र किया जो भारत को बहुत बढ़िया एक्सेस देता है सेंट्रल एशिया में, रूस में भी, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चाबहार का संबंध। बिल्कुल, और इस खबर पर हमारी नजर बनी भी रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका गौरव सावंत और गीता मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर अब ये साजिश वाली थ्योरी कैसे आगे बढ़ती है, जांच में क्या निकलता है, यहीं से आगे का रास्ता तय होगा।